हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको पेपर क्विल इयररिंग का एक नया डिज़ाइन दिखाने जा रही हूँ। सबसे पहले मैंने एक हाफ पिंक कलर की 5 mm की स्ट्रिप लिया। मैं इसकी एक टाइट कॉइल बनाने वाली हूँ। अब मैं इस पे ग्लू लगाऊंगी और उसे चिपका दूंगी ताकि ये कॉइल खुले ना। मैंने ऐसे ही 7 और कॉइल्स बना के रखी हुई हैं। ये हमारी आगे डिज़ाइन में काम आने वाली है। ये टोटल 8 कॉइल्स हैं। अब मैं एक फुल वाइट स्ट्रिप और एक फुल पिंक स्ट्रिप और हाफ वाइट स्ट्रिप को मैंने ज्वाइन करके रखा हुआ है। अब मैं इसे रोल करके इसकी भी एक टाइट कॉइल बनाऊंगी। ये देखिए, इसकी टाइट कॉइल बन चुकी है। अब मैं इस पर ग्लू लगा के इसे भी बंद कर दूंगी ताकि ये खुले ना। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको पहले से रेडी करके रखा हुआ है। मैंने इसमें एक जो हमारी कॉइल्स थी वो लगाई है। सेंटर कॉइल सेंटर में है। उसके बाद मैंने एक साइड में पिंक कलर की 1/4 स्ट्रिप की कॉइल लगाई है, जिसमें कि हम अपना और एक साइड पर हमने वाइट 1/4 लगाई है ताकि हम उसमें रिंग्स इंसर्ट कर सकें। इसलिए मैंने इसमें थोड़ा स्पेस छोड़ा हुआ है। और फिर मैंने इस पूरे पे ग्लू लगा के इसको ड्राई करने के लिए रख दिया। अब मैं इस पे फैब्रिक ग्लू लगाऊंगी ताकि मैं इस पे मोती स्टिक कर सकूं। मैंने पूरे पे ग्लू लगा लिया है। मैं सेंटर सेंटर पर कॉइल के सेंटर में मोती लगा रही हूँ। फ्रेंड्स देखिए, अब मैंने एक टाइट कॉइल क्रिएट करके रखी हुई है। 1 white 1 pink, यानी हाफ वाइट हाफ पिंक, हाफ वाइट हाफ पिंक। टोटल मैंने 4.5 स्ट्रिप्स लिए हैं। अब मैं इसका झुमका बनाऊंगी। कॉइल एकदम टाइट बनाइएगा ताकि आप इजीली झुमके की शेप ले सके। देखिए कितनी प्रिटी झुमके की शेप आई है ना। अब हम इसमें फेविकोल लगाएंगे।
और उसको अच्छे से स्प्रेड करेंगे ताकि हमारा झुमका इसी शेप में रहे, वो तो खराब ना हो, और हम इसे ड्राई होने के लिए रख देंगे। ड्राई होने के बाद मैं इस पे फैब्रिक ग्लू लगाऊंगी। और मैं उस पे मोती चिपकाऊंगी। मैंने मोती चिपका हुआ ऑलरेडी एक झुमका रेडी करके रखा हुआ है, ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब हम इन दोनों पीसेस को अटैच करेंगे। सबसे पहले मैंने एक सिल्वर वायर लिया, उसमें पहले हम एक लूप बनाएंगे। और इसको हम अपने झुमके के अंदर डालेंगे। इसके बाद हम इसमें एक बड़ा सा मोती डालेंगे। और एक्सेस वायर को कट कर देंगे। अब हम इसमें भी एक लूप बनाएंगे ताकि हम उसमें रिंग डाल के ऊपर का पार्ट अटैच कर सकें। अब मैं इसमें एक रिंग डालूंगी और फिर उसमें ऊपर का पार्ट डालूंगी वाइट वाले हिस्से को, और इसे कस के प्रेस कर दूंगी ताकि ये बंद हो जाए और खुले ना। अब मैं एक और रिंग लेके इसमें हुक डालूंगी और हमें ये ध्यान रखना होगा कि हमारा जो हुक है वो पीछे की साइड रहे, और हम इसे भी बंद कर देंगे। और ये हमारा झुमका रेडी है।